इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ हाइना को भागते हुए देखते हैं। वो पहाड़ी इलाकों से भागते हुए शहर की तरफ जा रहे होते हैं और जब वो शहर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर किसी जंगल की तरह हरा भरा होता है और बहुत सारे पशु पक्षी शहर की तरफ आ रहे होते हैं। ये शहर इतना खुशहाल और हरा भरा कैसे बना, ये हम आगे कहानी में जानेंगे। और इसके बाद हमें लगभग 500 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कदाज को देखते हैं जो अपने बॉस सिंड्रा को एलिवेटर से बिल्डिंग के टॉप पर ले आता है। इस समय पूरा शहर वीरान पड़ा होता है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई खतरनाक नेचुरल डिजास्टर आया हो। यहाँ पर कदाज सिंड्रा से पूछता है कि आखिर क्यों इंसान नेचर को अपने हाथों में लेकर चीजों को बद से बदतर बना देता है और फिर खुद ही सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करता है। इस पर सिंड्रा कहता है क्योंकि इंसान को लगता है कि वो किसी चीज को पहले से बेहतर बना सकता है और कभी कभी इसी दौरान गलती भी कर देता है, लेकिन बाद में वो अपनी गलती को सुधारना भी चाहता है। ये सुनकर कदाज सिंड्रा से पूछता है क्या उसने इसीलिए जिनेवो को मार दिया। अबे जिनेवो कौन है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम राइनो को देखते हैं जो सिंड्रा कॉरपोरेशन में काम करता है। वो एक हेलीकॉप्टर से माइनिंग एरिया में फंसे सिंड्रा कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज को निकालने आया होता है, लेकिन जब वो देखता है कि माइनिंग एरिया में गन फायरिंग हो रही है तो वो वहां से निकल जाता है। दरअसल सिंड्रा कॉरपोरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी है जो पूरे शहर में एनर्जी सप्लाई का काम करती है और वो धरती के कोर में पाई जाने वाली एनर्जी, जिसको लाइफ एनर्जी भी कहा जाता है, उसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे शहर में सप्लाई करते हैं, जिससे शहर पहले से और भी ज्यादा एडवांस बनने लगता है। लेकिन शहर के कुछ लोगों को सिंड्रा कॉरपोरेशन का ये काम पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनका कहना होता है कि अगर धरती की लाइफ एनर्जी को खत्म कर दिया गया तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए वो उस कॉरपोरेशन का विरोध करते हैं। सिंड्रा कॉरपोरेशन अपने विरोधियों से बचने के लिए एक्सपेरिमेंट करके अपनी एक सीक्रेट मिलिट्री बनाई है। वो अपनी मिलिट्री को पावर देने के लिए जिनेवो की पावर का इस्तेमाल करती है। जिनेवो दरअसल एक एलियन होता है जो धरती को खत्म करना चाहती थी, लेकिन सिंड्रा कॉरपोरेशन ने उसे किसी तरह कैद कर लिया। और मूवी के स्टार्टिंग में कदाज सिंड्रा से इसी जिनेवा के बारे में बात कर रहा होता है। उसी कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया एक पावरफुल सोल्जर जिसका नाम सेफिनोथ था, उसे जब पता चला कि कॉरपोरेशन ने उसे एक्सपेरिमेंट करके बनाया है तो उसे सिंड्रा कॉरपोरेशन से नफरत हो गई और अब वो किसी भी तरह सिंड्रा कॉरपोरेशन के साथ ही पूरी धरती को खत्म करना चाहता था। लेकिन उस कॉरपोरेशन के बाकी सोल्जर ने सेफिनोथ को रोकने की कोशिश की और इन सब के बीच में बहुत दिनों तक युद्ध भी चला, जिसकी वजह से शहर को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसी दौरान एक बड़ा सा उल्का पिंड गिरा, जिससे धरती तो अपनी लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी तरह बच गई, लेकिन शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और लाइफ एनर्जी के कम होने की वजह से शहर में जियो स्टिग्मा नाम का एक वायरस फैल गया, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे जाने लगे। और अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं बना था। अब पूरे शहर में उदासी और बीमारी के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद हम डेंसर को देखते हैं जो जियो स्टिग्मा वायरस से इन्फेक्टेड होता है। वो अपनी बहन माली के साथ तीफा के घर पे रहता है। दरअसल तीफा सिंड्रा कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए सोल्जर में से एक होती है और उसने माली और उसके भाई को अडॉप्ट किया होता है। अगले सीन में हम क्लाउड को देखते हैं जो सिंड्रा कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एक पावरफुल सोल्जर होता है। क्लाउड भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से ये बीमारी उसके दोस्तों में फैले, इसीलिए वो तीफा और बाकी के दोस्तों से दूर ही रहता है। अब यहाँ पर कदाज लोस और साजू नाम के दो सोल्जर के साथ आ जाता है और वो क्लाउड पर हमला कर देता है, क्योंकि अब कदाज सिंड्रा कॉरपोरेशन के लिए काम नहीं करता बल्कि अब वो सेफिनोथ के लिए काम करता है, इसीलिए वो क्लाउड पर हमला करवा रहा होता है, क्योंकि क्लाउड अब भी सिंड्रा कॉरपोरेशन के लिए ही काम करता है। अब लोस और साजू अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ खतरनाक क्रिएचर को बनाते हैं जिनसे वो क्लाउड पर हमला कर रहे होते हैं। और इस दौरान क्लाउड पर जियो स्टिग्मा वायरस भी हावी होने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइट पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और वो दोनों मिलकर क्लाउड को मारने ही वाले होते हैं कि तभी कदाज उन्हें वापस बुला लेता है। कदाज को देखकर क्लाउड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, इसीलिए वो सिंड्रा इंडस्ट्री के ऑफिस में जाता है जहाँ पर उसे राइनो मिलता है जो उसे अंदर जाने से रोक रहा होता है, लेकिन क्लाउड उसे बड़े ही आसानी से ऑफिस से बाहर कर देता है। अब यहाँ पर क्लाउड की मुलाकात सिंड्रा से होती है। सिंड्रा को देखकर क्लाउड पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसने सिंड्रा को एक ब्लास्ट में मरते हुए देखा था। यहाँ पर सिंड्रा क्लाउड को बताता है कि वो उस ब्लास्ट में किसी तरह बच गया था। इसके बाद वो क्लाउड को समझाता है कि शहर में इस समय जियो स्टिग्मा नाम का एक खतरनाक वायरस फैला है और उसे लगता है कि ये वायरस सेफिनोथ की वजह से फैल रहा है, क्योंकि इस समय सेफिनोथ धरती की लाइफ एनर्जी से जुड़ चुका है, जिसकी वजह से वो लोगों को इन्फेक्ट कर पा रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए वो लोग उस जगह पर भी गए थे जहाँ पर सेफिनोथ ब्लास्ट हुआ था,
लेकिन वहां पर कदाज ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया क्योंकि अब वो सेफिनौत के लिए काम कर रहा है। सिंड्रा उससे कहता है कि एक बार फिर वो उसके साथ आ जाए क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए उसे उसकी जरूरत है। लेकिन क्लाउड एक बार फिर से सिंड्रा के साथ काम करने से साफ साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम तीफा और माली को देखते हैं जो शहर के बाहर एक वीरान पड़े चर्च में आते हैं। यहाँ पर इन्हें क्लाउड का सामान दिखाई देता है और क्लाउड के हैंड बैंडेज को देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि वो भी जियो वायरस से इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो शहर से बाहर उनसे दूर रहता है। वहीं दूसरी तरफ कदाज सिंड्रा पर हमला कर देता है और उससे जिनेवा के सेल के बारे में पूछता है ताकि वो और भी पावरफुल बन सके। लेकिन सिंड्रा कदाज से कहता है कि अब उसके पास जिनेवा की बॉडी सेल नहीं है। इस पर कदाज गुस्से में सिंड्रा को उसके दो एजेंट की आई कार्ड दिखाता है जिनको उसने मार दिया था, और वो सिंड्रा को अपना इविल फॉर्म भी दिखाता है जिसमें सेफिनौत का अंश होता है। ये देखकर सिंड्रा समझ जाता है कि अब सेफिनौत कदाज के जरिए अपने बदले को पूरा करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लाउड को देखते हैं जो शहर के बाहर खड़ा होता है कि तभी उसकी बॉडी में उस वायरस का प्रभाव बढ़ने लगता है और उसे अपने सामने सेफिनौत दिखाई देता है। अगले सीन में हम तीफा और मार्लिन को देखते हैं जो अभी भी चर्च में क्लाउड का इंतजार कर रही होती है कि तभी वहां पर लोस आ जाता है और वो तीफा से जिनेवा सेल के बारे में पूछता है क्योंकि कभी तीफा भी सिंड्रा इंडस्ट्री के साथ काम करती थी। लेकिन जब तीफा लोस को बताती है कि उसे जिनेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो तीफा पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन लोस तीफा के सामने टिक नहीं पा रहा था और वो हारने ही वाला होता है कि तभी वो सेफिनौत की पावर का इस्तेमाल करके तीफा को घायल कर देता है। ये देखकर मार्लिन अपने मेटल बॉल से लोस पर हमला करती है लेकिन लोस पर उसका कोई असर नहीं होता है और वो मार्लिन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम कदाज को देखते हैं जो शहर के इन्फेक्टेड बच्चों को ये बोलकर अपने साथ ले जा रहा होता है कि वो उनकी बीमारी को ठीक कर सकता है। क्लाउड जब चर्च में पहुंचता है तो वो तीफा को वहां पर बेहोश देखता है। कुछ देर के बाद तीफा होश में आ जाती है जो क्लाउड को सारी बात बताती है और उससे मार्लिन को बचाने को कहती है। तभी क्लाउड का जियोस्टिग्मा बीमारी एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से क्लाउड भी बेहोश हो जाता है, और जब वो होश में आता है तो खुद को तीफा के घर में पाता है जहाँ पर राइनो और रूप भी होते हैं और तीफा अभी तक बेहोश ही होती है। इसके बाद हम कदाज और लोस को देखते हैं जिन्होंने जिनेवा सेल बना लिया होता है। वहीं जब तीफा होश में आती है तो क्लाउड से पूछती है कि क्या तुम्हें पता चला कि लोस मार्लिन को कहाँ ले गया है। इस पर क्लाउड बोलता है कि उसने राइनो और रूफ को मार्लिन की खोज में लगा रखा है। तभी वहां पर राइनो आ जाता है जो क्लाउड को बताता है कि कदाज ने बच्चों को फॉरगेटन सिटी के अंदर रखा हुआ है। ये सुनकर क्लाउड राइनो के साथ उस सिटी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं हम कदाज को देखते हैं जो सभी बच्चों को ठीक करने के बहाने उन्हें जियोस्टिग्मा वायरस से इन्फेक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से सभी बच्चे धीरे धीरे कदाज के कंट्रोल में आ रहे थे कि तभी वहां पर क्लाउड आ जाता है जो आते ही कदाज और उसके साथियों पर हमला कर देता है। लेकिन वो कदाज और उसके साथियों के सामने टिक नहीं पा रहा था और अब उसकी बीमारी भी उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर वेलिन आ जाता है जो कभी क्लाउड के साथ ही काम किया करता था। वो क्लाउड को कदाज और उसके लोगों से बचाकर वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद वेलिन क्लाउड को बताता है कि उसे पहले से ही शक था कि कदाज अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेफिनौत को फिर से लाने की कोशिश करेगा और इसीलिए वो कब से उस पर नजर रख रहा था। तभी वहां पर मर्लिन आ जाती है जो किसी तरह कदाज के कैद से भाग आई होती है। मर्लिन को देखकर क्लाउड बहुत खुश होता है और वो वेलिन से मर्लिन को घर छोड़ने को कहता है। लेकिन इस बात पर मर्लिन गुस्सा हो जाती है क्योंकि क्लाउड कभी भी मर्लिन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। ये देखकर क्लाउड मर्लिन को घर तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ कदाज उन इन्फेक्टेड बच्चों के साथ सिंड्रा इंडस्ट्री के पास पहुंचता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिल्डिंग को गिराना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जिनेवा की बॉडी इसी के अंदर कैद है। लेकिन जब शहर के लोग कदाज और उसके दोस्तों का विरोध करते हैं तो साजू अपनी पावर की मदद से डार्क क्रिएचर से लोगों पर हमला करवा देता है जिससे सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। अब तीफा डेंसर के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन इस समय डेंसर जियोस्टिग्मा वायरस से इन्फेक्टेड होता है। इसके बाद हम कदाज के साथियों को देखते हैं जो सिंड्रा इंडस्ट्री के बिल्डिंग को गिराने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर राइनो और रूप भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड मर्लिन को घर छोड़ देता है और जब वो वापस आने लगता है तो मर्लिन उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम जीत कर आओगे। इधर कदाज अपनी मैट्रिक की मदद से आसमान में एक पोर्टल खोलता है जिसमें से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो उस बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। उस बड़े से क्रिएचर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। रूफ और राइनो मिलकर बच्चों को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान साजू राइनो पर हमला कर देता है
लेकिन वो दोनों किसी तरह मिलकर साजू को हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब उस बड़े से क्रिएचर को वहां पर जेनेवा की बॉडी नहीं मिलती है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो डेंसर को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर सिंड्रा इंडस्ट्री के बाकी के सोल्जर आ जाते हैं जो डेंसर को उस क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं तीफा उस क्रिएचर से लड़ते लड़ते नीचे गिर जाती है और अब उसके ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरने ही वाला होता है और दूसरी तरफ डेंसर को डार्क क्रिएचर मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर क्लाउड आ जाता है जो तीफा को मलबा गिरने से पहले ही वहां से हटा लेता है और साथ ही साथ वो डार्क क्रिएचर को मारकर डेंसर को बचा भी लेता है। इसके बाद उस बड़े से क्रिएचर और क्लाउड के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कदाज को देखते हैं जिसको सिंड्रा बताता है कि जिनेवा सेल शुरू से ही उसके पास थी लेकिन वो नहीं चाहता कि इसका कोई गलत इस्तेमाल करे इसीलिए उसने इसे छुपा कर रख दिया और इसके बाद सिंड्रा जिनेवा सेल से भरी बॉक्स को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है ताकि कदाज उसका कभी भी इस्तेमाल न कर सके। ये देखकर कदाज को बहुत गुस्सा आता है और वो सिंड्रा को भी उसी बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। इधर क्लाउड अभी भी उस क्रिएचर से लड़ रहा होता है और वो उस क्रिएचर को अपनी तलवार से दो हिस्सों में काट देता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कदाज और सिंड्रा बॉक्स के साथ बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं लेकिन सिंड्रा जिनेवा बॉक्स पर शूट कर देता है जिससे बॉक्स में रखे जिनेवा सेल नीचे गिरने लगते हैं लेकिन कदाज किसी तरह से उस बॉक्स को हासिल कर लेता है और सिंड्रा भी बच जाता है क्योंकि उसके सोल्जर उसे बचा लेते हैं। अब कदाज जिनेवा बॉक्स को लेकर वहां से भागने लगता है और क्लाउड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब इन दोनों के बीच में बाइक रेसिंग के दौरान ही फाइट हो रही होती है लेकिन तभी वहां पर कदाज के साथ ही आ जाते हैं जो क्लाउड को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रूफ और राइनो उन्हें रोक लेते हैं। अब कदाज और क्लाउड लगातार आगे बढ़ रहे थे लेकिन हाईवे के बीच में से टूटे होने की वजह से ये दोनों हाईवे के नीचे गिर जाते हैं लेकिन कदाज किसी तरह से क्लाउड को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और जब वो बॉक्स को देखता है तो उसमें जिनेवा सेल का आधा से ज्यादा भाग नीचे गिर चुका होता है। तभी वहां पर क्लाउड भी आ जाता है और इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है लेकिन तभी वहां पर लाइफ एनर्जी लिक्विड फॉर्म में निकलने लगता है और जब वो क्लाउड के ऊपर पड़ता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये देखकर कदाज डर जाता है और वहां से भागकर दूर आ जाता है पर अगले ही पल क्लाउड भी वहां आ जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्लाउड के दोस्त भी आ जाते हैं लेकिन वो क्लाउड की मदद नहीं करते क्योंकि ये फाइट क्लाउड को अकेले ही लड़नी होती है। अब लड़ाई के दौरान क्लाउड कदाज पर पूरी तरह से हावी होता है और कदाज वहां से गहरी खाई में गिरने लगता है लेकिन इसी दौरान वो जिनेवा सेल से कंबाइन करके स्टेफ्रॉन में बदल जाता है और अब कदाज की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद कदाज क्लाउड को बहुत बुरी तरह से मारता है और अपनी तलवार क्लाउड की बॉडी के आर पार कर देता है जिससे क्लाउड घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब कदाज पूरी पृथ्वी को ही खत्म करना चाहता है जिसकी वजह से आसमान में काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं लेकिन अगले ही पल क्लाउड को अपने उन दोस्तों की याद आने लगती है जिनको उसने स्टेफ्रॉन से युद्ध के दौरान खो दिया था। इसके बाद क्लाउड एक बार फिर से खड़ा होता है और इस बार वो अपनी पूरी ताकत से कदाज पर हमला करता है और देखते ही देखते वो कदाज को मौत के घाट उतार देता है। अब लाइफ एनर्जी आसमान से लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरने लगती है जिससे कदाज की बॉडी गायब हो जाती है और लाइफ एनर्जी की वजह से लोगों की बॉडी में से वो वायरस खत्म होने लगती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले ही पल कदाज के दोनों साथी क्लाउड पर हमला कर देते हैं। ये देखकर क्लाउड अपनी तलवार से उन दोनों पर हमला करता है जिसकी वजह से एक तेज रोशनी निकलती है और जब क्लाउड की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो लाइफ एनर्जी की वाटर से भरे एक पूल में खड़ा होता है और इस वाटर में जियोस्टिग्मा से पीड़ित बच्चों की बीमारी खत्म हो जा रही थी। ये देखकर क्लाउड डेंसर के ऊपर लाइफ एनर्जी को डालकर उसकी बीमारी को ठीक कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से शहर में खुशियां लौट आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।